सिंगरौली से विकास की खबरें सामने आई हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने 10 करोड़ 55 लाख रुपए राशि से नवनिर्मित पुल का लोकार्पण किया है। वहीं पार्षद प्रेम सागर मिश्रा लगातार अपने वार्ड में विकास के कार्य कर रहे हैं। सीधी सिंगरौली को जोड़ने वाला पुल 10 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से बना है। इस पुल का लोकार्पण उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया। यह पुल सीधी सिंगरौली जिले के लिए अहम माना जाता है। पुल लोकार्पण अवसर पर पंचायत राज्य मंत्री राधा सिंह, सीधी सांसद डॉक्टर राजेंद्र मिश्र, सीधी विधायक रीति पाठक, सिहाबल विधायक विश्वामित्र पाठक सहित सीधी सिंगरौली दोनों जिले के आला अधिकारी उपस्थित थे। रोड का हमारी कोशिश होगी कि आने वाले 6-7 महीनों में 8 महीने में इसका भव्य लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से होगा। सिंगरौली में वार्ड क्रमांक 36 के पार्षद प्रेम सागर मिश्रा के द्वारा वार्ड के विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों द्वारा बताया गया, तेलगवा में 20 वर्ष से रोड नहीं थी। वार्डवासियों ने कांग्रेस पार्षद प्रेम सागर मिश्रा से रोड निर्माण के बारे में बात की तो पार्षद ने इसे संज्ञान में लेते हुए प्रस्ताव नगर निगम को भेजा। इसकी स्वीकृति हो जाने के बाद बार्ड के ग्राम जुवाड़ी, तेलगवा में PCC सड़क, रिटर्निंग वॉल, कलवर्ट और प्रकाश 3 कार्य का भूमि पूजन बार्ड पार्षद प्रेम सागर मिश्रा के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस मोहल्ला का रोड बहुत जर्जर था, अभी भी पानी बह रहा है वहाँ पे, जो कि हमारे पार्षद वार्ड नंबर 36 के बहुत मेहनत करके हम लोगों का ये रोड पास कराए। आज नवरात्रि की समय अच्छा से 10 लोग मिल करके पूजा पाठ हो रहा है और ये काम अच्छाई से चल रहा है, अब शुरुआत होने वाला है। अभी भूमि पूजन की जा रही है। यह जो मुख्य रोड NTPC का जो है, शिव चरण शाह जी के घर से लेके हीरालाल साकेत जी के घर के आगे तक PCC की रोड नगर पालिक निगम सिंगरौली द्वारा बनाई जा रही है। यह रोड को हमसे करीब 2-3 महीने पहले इन वार्ड वासियों के द्वारा मांग किया गया था, जिसका मैं मौका निरीक्षण करके प्रस्ताव दिया था और आज इसका टेंडर करा के कार्य प्रारंभ कराने हेतु भूमि पूजन किया गया, जो कि भूमि पूजन उपरांत फिर कार्य को प्रारंभ कराया जाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।